Welcome all. So this is lesson 15 of the chapter Mathematical Logic, and here we are going to learn how to construct switching circuits from symbolic statements and vice versa. That means if switching circuit is given, then how to form the symbolic statement, and if the symbolic statement is given, then how to create the switching circuit out of it. Now I think first of all, let's talk about what exactly switching circuit is. Actually, AND operation and OR operation can be performed by using just switches. If you are talking about logic gates, right, that is again, let's say, advanced concept, but here that people can study in computer science or physics. But now, let's talk about a very simple switch, which can be either in like this position, right? इसको हम बोलते हैं स्विच ऑफ है, बिकॉज करंट इज नॉट, करंट कैन नॉट फ्लो, राइट? जब ऐसा रहेगा तो इसको ऑफ स्विच या ओपन स्विच कहा जाता है. थोड़ा सा समझना जरूरी है किसे ओपन और किसे क्लोज्ड कहते हैं. नाउ, और अगर ऐसा है तो नाउ इफ इट इज कनेक्टेड अक्रॉस अ बैटरी, देन द करंट कैन फ्लो इट थ्रू इट. सो इसको हम लोग बोलते हैं ऑन स्विच या फिर क्लोज्ड स्विच. नाउ लेट्स हैव अ वेरी सिंपल सर्किट हियर, अ बैटरी, राइट? एंड देन वी हैव स्विच एस, and then there is a lamp L connected. Okay, now when we close the switch, the current will flow and the lamp will glow, right? So agar switch open hai to lamp will not glow, switch close hai to lamp will glow. Ab kya hai ki iska matlab, simply the switch S is closed if and only if the lamp glows. Matlab switch closed raha to lamp glow hoga, aur lamp glow ho raha hai to switch closed hai. Ye dono malum hai, isliye humne yahan par if and only if use kiya, right? तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं द एल विच इज आउटपुट लैम्प का, राइट ना, इट्स इक्विवेलेंट टू पी. तो पी क्या है? पी है स्विच एस इज क्लोज्ड, एल है लैम्प एल ग्लोज. सो दीज आर द टू स्टेटमेंट्स. नाउ समझने की कोशिश कीजिए, मुझे बताइए कि पी ट्रू है, राइट? मतलब स्विच एस क्लोज्ड है, करेक्ट? तो लैम्प एल ग्लो होगा, यानी एल ट्रू है. पी ट्रू रहेगा तो एल ट्रू रहेगा. अब सोचिए कि पी फॉल्स है, पी फॉल्स है मतलब स्विच एस इज नॉट क्लोज, मतलब स्विच ओपन है, तो लैम्प ग्लो होगा क्या? नहीं, लैम्प विल नॉट ग्लो, मतलब ये क्या हो गया? नॉट. सो पी ट्रू है तो एल ट्रू है, और पी फॉल्स है तो एल फॉल्स है. आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस विद द सर्किट. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम मोर कॉम्बिनेशंस ऑफ द स्विचेस. ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट टू स्विचेस इन सीरीज. सो आई होप यू अंडरस्टैंड, यहाँ पर एक स्विच S1 और दूसरा स्विच S2, दोनों को सीरीज में कनेक्ट किया, एक लाइन में कनेक्ट किया, राइट? अब हम डिफाइन करते हैं कुछ स्टेटमेंट्स. लेट्स डिफाइन स्टेटमेंट P, स्विच S1 इज क्लोज्ड, स्टेटमेंट Q, स्विच S2 इज क्लोज्ड, एंड L इज लैंप L ग्लोज. अब एक काम करते हैं, सपोज P और Q दोनों ट्रू है, P भी ट्रू है और Q भी ट्रू है, इसका मतलब स्विच S1 क्लोज हो गया, स्विच S2 क्लोज हो गया. अब मुझे बताइए, अगर दोनों के दोनों क्लोज हुए, एक्चुअली करंट, हमेशा हमें करंट की डायरेक्शन दिखानी पड़ती है सर्किट में, ध्यान में रखना सभी ने, ठीक है? मैं अभी दिखा रहा हूँ, अभी क्लोज नहीं करेंगे तो भी डायरेक्शन दिखा के रखना कि कौन से डायरेक्शन में फ्लो होगा. ओके, तो फिर से वापस आते हैं ट्रूथ टेबल की तरफ. अगर P ट्रू है और Q ट्रू है, मतलब दोनों स्विचेस क्लोज्ड है, तो लैंप ग्लो होगा, लैंप L ग्लो होगा, मतलब L भी ट्रू है. तो L इज P एंड Q, तो ये जो P एंड Q है हमारा L, ये भी ट्रू हो गया. अब सोचिए, ओके, एक काम करता हूँ मैं यहाँ पर, अभी है ना आपको P एंड Q क्यों लिखा सर ने, ये समझ में नहीं आ रहा होगा, तो मैं थोड़ी देर के लिए P एंड Q हटा देता हूँ, एंड आई विल जस्ट से ओके L. ओके, तो सिंपली आपको ये ध्यान में आ रहा है क्या कि दोनों स्विच, अगर P ट्रू है और Q ट्रू है, तो दोनों स्विचेस क्लोज रहेंगे, तो करंट फ्लो होगा और लैंप ग्लो होगा, लैंप L ग्लोज, मतलब L इज ट्रू. अब देखते हैं कि अगर P ट्रू है और Q फॉल्स है तो क्या होगा. ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस सिचुएशन. इसमें S1 यानी S, P ट्रू है, मतलब स्विच S1 क्लोज्ड है, लेकिन
क्यू फॉल्स है, क्यू फॉल्स है मतलब स्विच एस टू इज नॉट क्लोज, मतलब एस टू ओपन है. अगर एस वन क्लोज है और एस टू ओपन है तो करंट फ्लो होगा क्या? नहीं. तो लैंप ग्लो होगा क्या? नहीं. लैंप एल डज नॉट ग्लो, मतलब स्टेटमेंट एल क्या हो गया? फॉल्स. फिर पी फॉल्स क्यू ट्रू, व्हाट्स दैट? पी फॉल्स मतलब स्विच एस वन इज नॉट क्लोज्ड एंड क्यू ट्रू मतलब स्विच एस टू इज क्लोज्ड. करंट फ्लो होगा क्या? नहीं, क्योंकि एस वन ओपन है, करंट फ्लो नहीं होगा. तो यहाँ पर आउटपुट क्या आएगा? फॉल्स. लैंप ग्लो नहीं होगा. दोनों फॉल्स. दोनों फॉल्स का मीनिंग अब आपको समझ में जल्दी से आ रहा होगा, राइट? अब मीनिंग क्या हो गया कि दोनों के दोनों स्विच ओपन है तो करंट तो फ्लो होगा ही नहीं, इसका मतलब लैंप ग्लो होगा नहीं, फॉल्स. अब थोड़ा सा देखिए कि ये दो स्विचेस किस तरीके से काम कर रहे हैं. अगर आपने ट्रूथ टेबल ठीक से देखा तो आपको ध्यान में आएगा इट इज़ नथिंग बट द ट्रूथ टेबल ऑफ पी एंड क्यू, और इसीलिए मैंने लिखा था पी एंड क्यू. तो ध्यान में रखो, जब दो स्विचेस सीरीज में हैं तो हम लोग उसको एंड के लिए यूज कर सकते हैं, जो एंड हमारा ऑपरेशन है इन लॉजिक. इन शॉर्ट, आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि जब एक ही वायर पर दो स्विचेस सीरीज में हैं तो करंट विल फ्लो ओनली इफ बोथ ऑफ देम आर क्लोज्ड. यही तो हमारा एंड गेट होता है कि दोनों ट्रू है तभी टोटल ट्रू है, राइट? अब एक और चीज़ है कि स्विचिंग इन इनपुट आउटपुट टेबल जब लिखते हैं तो हम लोग ट्रू के जगह पर वन और फॉल्स के जगह पर जीरो लिखते हैं. तो स्विच क्लोज्ड है तो वन, ओपन है तो जीरो, ऐसे आएगा वो. और लैम्प ग्लो हो रहा है तो वन, ऑफ है तो जीरो. सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग ट्रू एंड एफ वी कुड हैव रिटन जीरो एंड वन. ओके, सो इन दिस वे व्हाट वी हैव अंडरस्टूड नाउ दैट टू स्विचेस इन सीरीज, राइट, दे रिप्रेजेंट द ऑपरेशन ऑफ एंड. नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन. तो यहाँ पर भी मैं पहले थोड़ा सा हटा देता हूँ, राइट? अब वैसे तो मुझे मालूम है कि ये और आने वाला है, लेकिन आप खुद देखिए कि कैसे और आ रहा है. हियर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टू स्विचेस इन पैरेलल. तो स्विचेस पैरेलल में लगे हैं. मुझे बताइए, अगर पी और क्यू दोनों ट्रू हो गए तो दोनों स्विचेस क्लोज हो गए. दोनों स्विचेस क्लोज हो गए तो अब ऑब्वियसली दोनों जगह से करंट फ्लो होगा, राइट? अब दोनों जगह से करंट फ्लो होगा तो लैंप एल ग्लो होगा. लैंप एल ग्लो होगा मतलब स्टेटमेंट एल, लैंप एल ग्लोस, राइट? ग्लो हो गया मतलब एल कैसा हो गया? ट्रू हो गया. दूसरी बात करते हैं, पी ट्रू क्यू फॉल्स, इसकी बात करते हैं. इसका मतलब क्या? एस वन इज क्लोज्ड बट एस टू इज नॉट क्लोज्ड. तो ऐसी डायग्राम आएगी, एस वन क्लोज होगा, एस वन से यहाँ से करंट जाएगा, यहाँ से नहीं जाएगा, लेकिन यहाँ से भी करंट गया तो सर्किट तो पूरा हो रहा है ना, मतलब लैंप एल विल ग्लो, सो द आउटपुट इज ट्रू. पी फॉल्स एंड क्यू ट्रू मतलब ये सेकंड वाला, पहला वाला स्विच ओपन है लेकिन सेकंड वाला क्लोज है, तो एक सर्किट यहाँ से कंप्लीट होगा, करंट तो फ्लो होगा पूरा, और सर्किट कंप्लीट हो गया मतलब करंट पास होगा तो लैंप ग्लो होगा, ट्रू. लेकिन अगर दोनों के दोनों स्विच ओपन है, फॉल्स फॉल्स, राइट? दोनों के दोनों स्विच ओपन है मतलब क्या? पी भी फॉल्स है और क्यू भी फॉल्स है. तो इन दैट केस विल लैम्प ग्लो? नो, इट इज़ फॉल्स. अब ट्रूथ टेबल की तरफ देखिए और क्या ध्यान में आ रहा है आपको? दिस इज नथिंग बट द ट्रूथ टेबल ऑफ पी और क्यू. और इसीलिए व्हेन द टू स्विचेस आर इन पैरेलल देन वी से दे आर परफॉर्मिंग द ऑपरेशन ऑफ और. एंड अगेन वी कैन, वी शुड, इंस्टेड ऑफ यूजिंग ट्रू एंड फॉल्स वी शुड यूज वन एंड जीरोज. ओके, विथ प्रैक्टिस यू कैन डायरेक्टली राइट इन जीरो एंड वन, लाइक इंस्टेड ऑफ राइटिंग ट्रू एंड फॉल्स. सो वेन एवर इनपुट आउटपुट टेबल अगर पूछा गया ना तो ट्रूथ टेबल ही बनाना है, लेकिन किस में बनाना पड़ेगा आपको? वन और जीरो में बनाना पड़ेगा. ओके, सो अब क्या है, देखो कि हमारे पास एंड ऑपरेशन आ गया और ऑपरेशन आ गया स्विचेस में. अब नॉट ऑपरेशन क्या होगा? नॉट ऑपरेशन में हम दूसरा एक स्विच दिखाते हैं, उसको बोलते हैं एस. जैसे एस वन इज क्लोज यानी पी हो गया, तो नॉट पी यानी एस वन प्राइम नाम का स्विच बोलते हैं. क्या कॉम्बिनेशन रहेगा? जब एस वन क्लोज रहेगा तो एस वन प्राइम को ओपन रहना पड़ेगा, और जब एस वन ओपन रहेगा तब एस वन प्राइम को क्लोज रहना पड़ेगा. दैट आई थिंक वी कैन सी इन द एग्जाम्पल्स.